Welcome back to the channel, guys. Hope you guys doing absolutely fine. कैसे है दोस्तों? तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत सैड हूँ, क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर है वो खराब हो गया कोई कारण के वजह से. तो वीडियो एडिट तो मैं वहाँ पे करता था, लेकिन मैं अब कुछ दिन फ़ोन में ही एडिट करूँगा. तो कोई बात नहीं. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता, आज का तो थंबनेल टॉपिक आपने देख ही लिया होगा. हाँ, वो उड़ीसा में जो कुछ दिन पहले आंधी तूफान वो आया था, साइक्लोन आया था, आपने देख ही लिया होगा, आप लोगों को पता भी चल गया होगा. तो वहाँ पे बहुत डैमेज हो गया था. हाँ, बहुत घर बेहाल हो गए थे, बहुत इंसान डेथ बहुत कम हुआ है, लोगों को इंजरी हुआ है, लोगों के घर टूट गए हैं. आपने वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस आपने देख लिया होगा. मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ, हम तो वहाँ पे जाके उनको बोल नहीं सकते कि हम घर बना, लेकिन हम लोग कुछ डोनेट ज़रूर कर सकते हैं. हाँ, हम लोग कुछ डोनेट कर सकते हैं. तो आप, मैंने आज लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है, मैंने भी कुछ डोनेट कर दिया है. अब बारी है आपकी. मैं मेरे माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि आप जितना से जितना हो, हम पैसे यहाँ वेस्ट करते हैं. मैंने लास्ट के डोनेशन वीडियो बनाया था केरला का फ्लड के ऊपर, आपने देखा होगा, और आपने बहुत डोनेट भी किया है, मेरे को पता है. लेकिन मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ, ये जो साइक्लोन उड़ीसा में आया था, उड़ीसा वेस्ट बंगाल हम लोग के इधर भी आया था, लेकिन वेस्ट बंगाल में उतना इफेक्ट नहीं किया जितना उड़ीसा में किया है. पुरी में, कटक में, भुवनेश्वर में आपने वीडियोस देखा होगा, बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, उन्होंने भी लिंक शेयर किया अपने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के माध्यम से. कोई इंस्टाग्राम में हो, कोई यूट्यूब में हो, कोई रिफंड मतलब फंड उनको दे रहा है. और मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ, प्लीज़ डोनेट कीजिए उनको. देखिए, हम तो वहाँ पे जाके कुछ करने, मैं बस ये दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ. हम पैसे बहुत कुछ में वेस्ट करते हैं. तो अगर गरीब है नहीं, मैं मानता हूँ कि लोग अच्छे हैं वहाँ पे, लेकिन डोनेट करना भी हम लोग का फर्ज है. वहाँ के गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी जी ने मिलके वहाँ पे डोनेशन का कुछ प्लानिंग कल किया, मीटिंग किया है प्लेन में बैठ के. मैं वो सब बताना नहीं चाहता, वो पॉलिटिक्स का बात है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आप चाहे तो डोनेट कर सकते हैं. मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहीं पे जाके, ये एक सेफ लिंक है, मैंने खुद डोनेट किया है. ये सीधा CRPF के अकाउंट में जाता है, गवर्नमेंट CRPF के अकाउंट उड़ीसा में जाता है. आप आराम से इसको डोनेट कर सकते हैं, कोई फ्रॉड नहीं होगा. आप अकाउंट है आपके पास, अभी तो ऑनलाइन आप तो जाके उनको पैसा कहाँ पे देंगे, आप जा भी नहीं पाएंगे. आप अभी कोई इंसान का इतना टाइम नहीं है कि डोनेट करने के लिए उड़ीसा जाए, जाके डोनेट करें. मैं बस आपको, आप तो फोन यूज़ करते हैं, ऑनलाइन यूज़ करते हैं, आप थोड़ा देखिए, आप डोनेट करें. और मैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से मैं ये हो के मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि जब हेल्प की ज़रूरत है, हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स क्यों ना हो, हम लोग छोटे हैं लेकिन दिल के अच्छे हैं. मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हो, जितने भी छोटे इन्फ्लुएंसर्स हो, ये हम लोग का फ़र्ज है कि हम हर एक इंसान को हेल्प करें, अपने कहीं से भी हो. अगर मैं इस वीडियो को बना के अगर दो भी शेयर हो जाए और दो जन भी अगर हेल्प करे, उनका फ़ायदा, एक एक रुपया भी अगर कोई हेल्प करे ना, तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और नहीं भी पसंद आए तो डिसलाइक दबा सकते हैं. और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितना आप शेयर करेंगे, आप डोनेट किए, आपने इसको शेयर कर दिया दूसरे को, उसने ये वीडियो देखा, उसने भी चलो सोचा कि मैं डोनेट कर देता हूँ कुछ, एक रुपया भी डोनेट, अगर 100 जन भी डोनेट करें ना, 100 रुपया होता है एक एक रुपया करके,
मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि आप डोनेट कीजिए, मैं आपको फोर्सफुली भी नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके डोनेट करना ही है आपको, लेकिन आप एक देश के निवासी, और अगर आपके देश में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आप खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? हम लोग तो है, हम लोग छोटे यूट्यूबर्स, हम लोग हमेशा खड़े होंगे सामने, डोनेट का बात हो कि कहीं पे कोई किसी का भी बात हो। और लास्ट मैंने पुलवामा में भी वो एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे भी डोनेशन का बात मैंने बोला नहीं था, बस वो क्योंकि वो गवर्नमेंट है वो उनका, लेकिन यहाँ पे फ्लड का बात हुआ है तो आप प्लीज़ जाके शेयर कीजिए वीडियो को, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, आप वही लिंक को खोल के आप डोनेट कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वीडियोस लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते, आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं वीडियोस जब लाऊंगा तब आप, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं तब आप मेरे ना बोलते हैं ना एक रिलेशन फैमिली मेंबर, वो फैमिली मेंबर बन जाएंगे, तब मैं जब भी वीडियोस लाऊंगा तब आप देख पाएंगे, आप उसको मतलब देख के शेयर कर पाएंगे। और नोटिफिकेशन बेल दबाने से ये होता है कि आप उस वीडियो मतलब मेरे कस्टमर मतलब बोलते हैं ना फैमिली, रेगुलर फैमिली मेंबर वैसा बन गए आप, जब भी मेरा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और थैंक यू गाइस। और हाँ, और एक मैं पर वीक 2 वीडियोस का, 2 से 3 वीडियोस का वादा करता हूँ, यह चैलेंज मैंने ये 1 महीने के लिए लिया, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आई थिंक जून महीना में मैं 5 जून से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और उसके व्लॉग्स तो आएंगे, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ और वहाँ पे एंजॉय करूँगा, वहाँ के मैं 10 से 12 दिन वहाँ पे रहूँगा, तो वहाँ का 8 से 9 व्लॉग ज़रूर आएगा वहाँ का, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मैंने लास्ट में बहुत बोरिंग कर दिया, लेकिन ये भी बात बताना जरूरी है हम लोगों को, क्योंकि हम आपके रिलेशंस को भी बरकरार रखना चाहते हैं। और थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।